सर्कस, इंडिया के हर घर में हंसी का दूसरा नाम। कॉमेडी सर्कस जिसने कॉमेडी को दिए कई नए मुकाम। कॉमेडी सर्कस जिसने बनाए हैं कॉमेडी के सबसे बड़े चैंपियंस। और अब कॉमेडी सर्कस लिखने वाला है एक नया इतिहास। अब पूरे देश के बड़े से बड़े नामचीन कॉमेडियंस आएंगे इस मंच पर और टकराएंगे हमारे चैंपियंस से इस शानदार ट्रॉफी को पाने के लिए। अब हमारे चैंपियंस को है परखना कि कौन कौन से चैलेंजर्स हैं उनकी टक्कर के और कौन बन सकते हैं उनके साथ कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार। लेकिन जिस तरह बिना बिंदिया के दुल्हन होती है अधूरी, बिना हीरोइन हिंदी फिल्म कभी नहीं होती पूरी, वैसे ही कॉमेडी सर्कस के साथ एक नाम है सबसे जरूरी, वो नाम जिसकी हंसी हर शनिवार आपके घरों में गूंजती है। देखा, अभी भी गूंज रही है। प्लीज वेलकम कॉमेडी की बा, हंसी की अम्मा जी, अर्चना पूरन सिंह। जहाँ भी मैं जाती हूँ एवरीबडी सेज यू नो अर्चना जी आप बहुत अच्छा काम करती हैं इस शो में हंसाने का। आई डोंट टेक द क्रेडिट फॉर इट, द राइटर्स एंड जो यहाँ पर आकर इस स्टेज पर अपना जलवा दिखाते हैं। सो आई वांट टू वेलकम एवरीबडी एंड द ऑडियंस ऑन आवर न्यू शो कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार। कॉमेडी सर्कस सिर्फ नाम सुनते ही हंसने की गारंटी मिल जाती है, उसी तरह कोई और भी है जिसे देखते ही होठों पर अपने आप हंसी आ जाती है। तो आज हंसी का शो नंबर वन बुलाता है कॉमेडी के हीरो नंबर वन को। प्लीज वेलकम द विरार का छोकरा, द राजा बाबू गोविंदा। ओए सुरवीन यार, गॉर्जियस गर्ल यार, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। सुपर्ब डांस यार, व्हाट स्टाइल आई मस्ट से। थैंक यू। पर तुम गोविंदा हो ही नहीं सकते। क्यों? अरे मैंने एक बार बुलाया और तुम टाइम पर आ गए। जाओ जाओ अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी करो, जाकर मेहनत करो, गोविंदा बनना है ना, जाओ रिहर्सल करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। प्लीज वेलकम कॉमेडी का दुलारा, हंसी के दूल्हे राजा गोविंदा। डाले 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 डाले। सबसे पहले आई हैव टू टेल यू वन थिंग, दिस इज रियली लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आप जानते हैं मैं आपकी कॉमेडी की दीवानी हूँ और आपका डांस स्क्रीन पर देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, नाचो। यूं तो आप लोगों ने मुझे बुलाया है और ऊपर से यूं तो आप मुझे बुलाने के लिए भी कह रहे हैं, तो आइए आवाज लगाते हैं और बुलाते हैं कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स को। इनसे मिलिए, इनका नाम है सुदेश, ये काम यहाँ करते हैं और इनको लगता है कि इनको चेक इंडियन आइडल से मिलेगा। वैसे तो इनका वेलकम है लेकिन इनकी तारीफ करने में मेरी क्या इनकम है। ये खुद तो आते हैं और साथ में ले आते हैं मेरे भांजे को। वो बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, नाचा नहीं करे। वो ज्यादा नाचता है, आते ही शुरू हो जाता है। आइए सुरेश और कृष्णा। आइए आवाज लगाते हैं उन लोगों को जो मतलब कि मैं क्या तारीफ करूं उनकी और मैं क्यों तारीफ करूं। ये पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। अली असगर और स्वप्निल जोशी। हेलो
यू तो लोग कहते हैं कि कॉमेडी करना बच्चों का काम नहीं है, लेकिन मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने ये कहा है। वाकई वो, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को देख रहा हूँ जो आकर जब कॉमेडी करता है तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े बच्चे इसके सामने बच्चे हो जाते हैं। हाँ, नाम है उसका गंगू भाई सलोनी और राजीव। तन 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 तले गाँव मड़े गाँव तले गाँव मड़े गाँव तले गाँव मड़े गाँव तले गाँव। अरे सीताराम सीताराम कोल्हापुर सीताराम कोल्हापुर तले गाँव मल्ले गाँव तले गाँव मल्ले गाँव तले गाँव। ओए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द चैंपियंस प्लीज एंड गोविंदा जी। है वो सुपरस्टार्स जो कॉमेडी सर्कस के सिंहासन पर राज करते हैं, लेकिन अब चैंपियंस का ताज पाने की ख्वाहिश लिए चैंपियंस को चैलेंज देने आ रहे हैं चैलेंजर्स, और चैलेंजर्स की टोली लेकर आ रहे हैं स्टैंड अप के अमिताभ बच्चन, हंसी के गांव के मुखिया गजोधर भैया राजू श्रीवास्तव, और उनका साथ दे रहे हैं द हैंडसम एंड डैशिंग आदित्य फ्रॉम ना आना इस देश लाडो। कहाँ चैंपियन, कहाँ चैंपियन है, कहाँ आओ उधर, कहाँ ए हमें बताओ चैंपियंस कौन है चैंपियंस। अच्छा तुम लोगों को बहुत नखरा चल रहा बाजार में, तुम लोग बहुत नौटंकी हो रहा चैंपियन बन गए तो। अरे चैंपियन हम बन जाते मगर हम मना कर दिए। क्यों मना क्यों कर दिया? अरे वो हमारी अम्मा बोली कि तुम चैंपियंस बन जाओगे तो बहुत परेशान रहोगे, बहुत बाहर रहना पड़ेगा, खुल के चाट नहीं खा सकते, पानी पूरी सड़क पर नहीं खा सकते, घर के नाते रिश्तेदार से पहचान नहीं पाएंगे, घर में जो पालतू कुत्ता है वो कहेगा साहब जब से चैंपियन बने हैं बदल गए हैं, अब हमें अकेले ही भौंकना पड़ता है। बहुत ज्यादा बोल रहे, बहुत ज्यादा बोल रहे, कंट्रोल करो। अच्छा वो देखो, हाँ कृष्ण और सुदेश इधर ही। अरे कृष्ण सुदेश, अरे डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है। क्या बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल है। अरे तो पहले कहानी बताया, मैं कब से बोल रहा हूँ, हम इतना बोल गए। अच्छा उनके बाजू में देखे, हाँ अली और सुनील है। अरे सो देखने आए होंगे। आदमी जो है देखते देखते सीख जाता है। वो तो सीख जाएंगे, उनके बाजू में बच्चे हैं, उनको देखे। अरे अरे तो हमारी नानी है। अरे वो सब छोड़ो, हाँ हमारी दादी हमसे कही हैं जब बच्चा लोगों के साथ खेलो तो जानबूझ के हार जाओ, ऐसे बच्चे लोगों को हौसला मिलता है। बहुत ज़्यादा बोल रहे, बहुत ज़्यादा बोल। अरे हम बोल दिए हैं तो फिर हम देख लेंगे। हाँ हम मतलब, अरे हम मतलब हमारी पीछे एक बहुत ज़बरदस्त टोली तैयार हुई है, ऐसे उसमें खतरनाक खतरनाक आदमी हम जमा किया है, लाल लंगोटा पहन के राई का तेल लगा के सब दंड पेल रहे चैंपियंस की ऐसी तैसी करने के लिए। अभी इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया तो ठीक है, आप ही बुलाओ उनको, मैं चला, मैं आपके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी मुझे माफ कर। अरे वो कॉमेडी सर्कस है, अरे ये पहला प्रोग्राम है जिसमें कोई मजाक नहीं समझ रहा। अच्छा चैंपियंस ऑफ चैंपियंस ऑफ, होशियार हो जाओ, चैलेंजर्स का टोली आ रहा है, पूरी दुनिया जानती है रूलिंग पार्टी को हटाने के लिए अपोजिशन का होना बहुत जरूरी। हम एक ऐसा पार्टी बनाए हैं और पहले चैलेंजर्स को बुला रहे हैं। ए चैलेंजर्स, अच्छा अभी हम नाम लिए हैं, पहले धप्पड़ धूम कर दिए, जा जा फिर खाली तबलम प्रोग्राम करो चलो। आदमी बोल रहा है, का बोल रहा है, कलाकार लोगों का नाम लेंगे चैलेंजर, फिर तबला बजाओ तब पेमेंट मिलेगा। अरे चैलेंजर्स लोग आ रहे हो कि हम अपना गियर बदलें? गियर बदलना पड़ेगा। कमाल करते हैं। पहले तो एक ही आवाज में आ जाते थे, पाक के आ जाते थे, आज क्यों नहीं आ रहे? अरे आ भी जाओ।
सूरज वीआईपी आ भी जाओ। अब जो दूसरे चैलेंजर्स आ रहे ना, वो चैंपियंस की भी मतलब उनकी एकदम छुट्टी कर देंगे। ये एक एक मतलब अंकल है और दूसरी आंटी है। जो अंकल है वो एकदम बच्चे जैसे है, और जो आंटी है वो बच्ची है मगर वो बचपन से आंटी है। तो हम मैं अभी दोनों छोटू मोटू को बुला रहा हूँ। छोटू मोटू अंकल आंटी आ जाओ सब। अंकल आंटी यही दिन है। बंधुओं, चैंपियनों, अब जो आ रहे हैं ये शक्ल से लगते हैं सस्ती ऑर्केस्ट्रा के अनाउंसर, मगर ये फेंकते हैं कॉमेडी की जबरदस्त बाउंसर, और पीते हैं दारू एकदम सस्ता, अपने साथ लाए हैं पवित्र रिश्ता। आ जाओ, डरो नहीं, सब अपने लोग हैं। सुनील प्रिया, आप जो आ रहे हैं वो हमसे कह रहे थे कि हम भी चैंपियन थे, चैंपियन रहे हैं, अब इन्हीं को लाए हैं। अब रिस्क तो है ही जिंदगी में। अब आ रहे हैं कपिल शर्मा। हाय शर्मा, कॉमेडी करते हैं एकदम बेशर्मा। उनके साथ आ रही हैं नताशा, अभी खाई है 1.5 किलो बताशा। निकल आओ दोनों लोग, निकल आओ, जब आ गए तो निकल आओ। हमने नताशा से कहा भी कि ना आना इस स्टेज लाडो। मैं बोली नहीं मैं तो आऊंगी, कॉमेडी सर्कस में घुसूंगी, सबको हंसाऊंगी। तो अब रिस्क तो है ही है जिंदगी। अरे रे 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 रे, क्या हुआ? पहले क्यों नहीं पता इतने तगड़े तगड़े लोग हैं। लंगोट का अच्छा अंदर पहनी होगी। हाँ मैं भी तैयार हूँ। हाँ हाँ तैयार, मैं भी कॉम्पिटिशन में आने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या डरता हूँ किसी से? फिर डरने का नहीं, और क्या, कोई डरते क्या? मेहनत करते तो आगे आते, मेहनत करेंगे तो क्या उसमें क्या है, ऐसे दुखी आ जाएगी ऐसा। जोरदार तालियां हमारे चैलेंजर्स के लिए। चैंपियंस के पास है जीत का तजुर्बा, चैलेंजर्स के पास है नया जोश, यानी मुकाबला सॉलिड होने वाला है बॉस। और चैलेंजर्स को अपनी ताकत का दर्शन करवाने पहले आ रहे हैं द चैंपियंस। हमारी लिटिल चैंपियन सलोनी गिर गई है गड्ढे में, तो चैंपियंस की गंगूबाई सलोनी को गड्ढे से निकालने आ रहे हैं राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। छोटी सी उमरिया में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदी सर्कस में नहीं जाने का। मैंने बोला क्यों? पहले तो तुम मना नहीं करता था, लेकिन उसने बोला पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अली नाम का एक बंदा आ गया है, उसको कुछ
और जितना भी है उतना गंदा। सत श्री अकाल अर्चना भैन जी, मुझे तो भैन जी कहना पड़ेगा क्योंकि लोग कहते हैं मेरी शक्ल आपसे मिलती है। गॉड। और पाजी आपके लिए। सत श्री अकाल पाजी। नाम है जी मेरा छिंदोष भैन, मेरा हसबैंड भी मुझे डर के कहता भैन। किसकी कंप्लेंट कर रही थी तू? अली अर्ज करके। खबरदार जो उसकी कंप्लेंट की तो। एक वही तो है हम जैसी गंदी औरतों का सहारा। सस्ती माधुरी दीक्षित। इस शो पे आके मेरे को हुल नहीं देने का। शायद तू जानती नहीं मैं यहाँ की सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट हूँ। तू पॉपुलर है तो मैं इस शो की सबसे बदनाम आर्टिस्ट हूँ। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। अरे तो फिर बाहर निकालती क्यों नहीं? इतनी टैलेंटेड बाहर क्या निकालू? चोटी तो निकाल के बाहर फेंक दी और क्या निकालू। गुड वन राजीव। देख लो अर्चना ताई, पार्टनर मेरी है और मुझसे ही छकट रही है। हम भाइयों की किस्मत ही ऐसी होती है, एक भाई दूसरे भाई का काम छीन लेती है और उनका बस चले तो एक दूसरे को गड्ढे में भी ढकल देती है। रे बाबा। ओए गो गड्ढा, अब तो गिरना ही पड़ेगा। हेल्प मी आउट, बचाओ बचाओ सुरेंद्र बचाओ। ये क्या बचाएगा, ये तो खुद ही हमसे बचता रहता है रे बाबा। देख लो अर्चना ताई, ये भाई को बचाने कोई नहीं आ रहा है और अगर ये होती तो ये एक आदमी तीन तीन बार बचाने आता उसे। अरे कोई बचाओ बचाओ। हमें अभी अभी खबर मिली है गंगूबाई गड्ढे में गिर गई है। इससे पहले भी प्रिंस नाम का बच्चा एक बार गड्ढे में गिरा था और जब से प्रिंस नाम का बच्चा गड्ढे में गिरा है तब से प्रिंस नाम की सभी चीजें घंटे में घुस रही हैं। फिर चाहे वो प्रिंस ऑफ कलकत्ता सौरभ गांगुली हो गड्ढे में, विवेक ओबराय की फिल्म प्रिंस हो गड्ढे में। विवेक का इस हिट शो में नाम लेने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। खैर आइए दर्शकों, आपको लिए चलते हैं सीधे गड्ढे में। अबे दर्शकों कोई दरकार आ रहा है? ये की परफॉर्मर बड़ी मुश्किल से फिट हुई है रे बाबा। ये देखिए यही है वो गंगूबाई। बचाओ बचाओ। मुझे समझ में नहीं आता हम मीडिया वाले जहाँ भी जाते हैं लोग बचाओ बचाओ क्यों चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अरे मैं तेर को देख के बचाओ बचाओ नहीं बोल रही, मैं गड्ढे में गिरी है इसलिए बचाओ बचाओ बोल रही हूँ। अरे गौर से सुनिए इसकी दर्द भरी आवाज। गौर से देखिए कितना भोलापन है इसके चेहरे पर। दोबारा देखिए इसका भोलापन। हमने दिखाई ये सारी तस्वीरें सबसे पहले आपको। हेलो क्या हमें सबसे बड़ी खबर मिल चुकी है कि अभी अभी उदय चोपड़ा ने फिल्म सिटी में एक पूरी लाइन बिना फंबल के बोल दी। इसलिए आओ ले चलते हैं आपको उसी बड़ी खबर की ओर। आइए। अरे रुक, चला गया, मैं गड्ढे में गिरी हूँ और उससे ज्यादा अच्छी खबर उसको ये लगती है कि उदय चोपड़ा ने एक पूरी की पूरी लाइन बिना फंबल के बोल दिए। उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो वीआईपी भी कभी कभी बोल देता है रे बाबा। एक दूसरे की बहुत उलाते हैं। अरे कोई बचाओ बचाओ, लगता है स्टाइल बदलना पड़ेगा। बचाओ 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 वरना भाड़ में जाओ। शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए। अभी पहले भड़कने तो दे। आप चिंता मत कीजिए हम दिल्ली तक जाएंगे। अरे तू दिल्ली बाद में जाना, पहले ये बता तू आगरा के पागल खाने से कब छूटा। क्या मतलब? तेरी सरकार नहीं गिरी, मैं गिरी हूँ गड्ढे में। अच्छा ठीक है मेरे को बचा। जहाँ मीडिया नहीं होता वहाँ तो हम गिराते नहीं है, बचाएंगे कहाँ से। वो तो सब उदय चोपड़ा के पास गए फिल्म सिटी में। उदय गड्ढे में गिर गया तो ठीक है मीडिया के सामने हम उसे निकालेंगे। जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गड्ढे में गिरा दिया है उससे बचाने गया है।
कोई बचाओ, बचाओ। लगता है फिर से स्टाइल बदलना पड़ेगा। हेलो बचाओ, कम ऑन बचाओ यार, बचाओ। सलोनी, मैं इधर हूँ गड्ढे में। अरे तू उधर किधर चली गई? मैं तुझे संभाल लूंगा। हाँ। अच्छा हुआ तूने मुझे संभाल लिया। पिछले कई एपिसोड से मैं तेरे को संभाल रही हूँ। तेरा मतलब है मुझ में टैलेंट नहीं है? पहली बार इसने अच्छा पंच मारा है। अर्चना कई ऐसे लड़के होते जिनकी बीवी रक्षाबंधन पे इन्हें राखी बनती है रे बाबा। गड्ढे में से भी बेइज्जती कर रही है। जल्दी निकल वरना और करूंगी। अबे निकालूंगा, चला जल्दी आ, कम ऑन कम ऑन। भगवान का लाख लाख शुक्र है तू बाहर आ गई। वरना अब तक चैलेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब कौन देता? चलो अब तेरा हो गया। हाँ? मैं चली गड्ढे में। ओए क्यों? क्यों जा रही है गड्ढे? देख मेरा नाम है गंगूबाई। हाँ? मैं विरार से आई। हाँ? और वो जो सामने बैठा है ना वो है मेरा भाई। हाँ? अगर वो मेरे को बचाने आएगा तो ही मैं गड्ढे से बाहर निकलेगी, क्योंकि मैं भी विरार से, वो भी विरार से। हाँ ना भाई? तो जल्दी से मेरे को बचाने आ जाओ। जल्दी से गंगूबाई गेम कर रही है। तो अर्चना ये नीचे गिरे या ऊपर बढ़े? आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। बहुत अच्छी शुरुआत है। सलोनी आपने जो बोला था ना बचाओ बचाओ पूरे एक्ट में, आई थिंक चैलेंजर्स ये बोलने वाले हैं हमारे पूरे शो में कि बचाओ बचाओ। गोविंदा सर। सलोनी तू बाहर स्वीट है, बहुत अच्छा लगा मुझे जो तुमने वो किया बच्चा। और आपने मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हर किरदार जो है उसको बढ़िया तरीके से आपने समझा और उसके बाद यहाँ पर निभाया। कॉमेडी सर्कस में आना अपने आप में ग्रेट है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आने का करते वेट हैं। डेली सोप की हीरोइन नताशा आना चाहती थी यहाँ, लेकिन एक ऑटो वाला करवा रहा उसको लेट है। प्लीज वेलकम द चैलेंजर्स, नताशा एज सेलिब्रिटी एंड कपिल एज ऑटो वाला, जो चैलेंज कर रहे हैं राजीव एंड सलोनी को। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे पता चला है कि इस शो में एक विनर की जरूरत है, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए ले गया हूं खूबसूरत टैलेंटेड द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। तालियां तालियां मत बजाना कमबख्तो। बिना मतलब के तालियां बजा बजा के तुम लोगों ने ऐसे लोगों को चैंपियन बना रखा है। मैं करूंगा आप लोगों के लिए कॉमेडी। और सर ये चीजें मत बिठाया करे, आदमी लाइन भूल जाता है। मैं करूंगा आप सब लोगों के लिए कॉमेडी और आपके मनोरंजन के लिए लेके आया हूं एक खूबसूरत सेक्सी पार्टनर। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली द सेक्सी लेडी ऑन द अर्थ, मल्लिका। वाओ मल्लिका। मल्लिका नहीं नताशा। तुम मेरी पार्टनर? हाँ मतलब तुम मेरे पार्टनर। जानते हो मैं कौन हूं? मैं हिट टेलीविजन सीरियल की टैलेंटेड लीड हूँ। तो वो तो फिर सीरियल टैलेंटेड हो गया ना, तुम क्या हो? तुम्हें पता मैं कौन हूँ? मैं कॉमेडी शो का विनर हूँ, विनर। अच्छा चलो जो भी हो, पर मेरे पार्टनर बनने लायक तो बिल्कुल नहीं हो। इन लोगों ने तो मुझे कहा था कि बोमन ईरानी देंगे। बोमन ईरानी देंगे? जैसे तुम्हारी शक्ल है तुम्हें स्मृति ईरानी देते काफी है। बदतमीज लोग, मुझे कह रहे थे मल्लिका शरावत देंगे। मल्लिका को कौन सा कॉमेडी करनी आती है? कॉमेडी आए ना आए उसको देख के मजा तो आता ना। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ड्राइवर गाड़ी निकालो। ड्राइवर गाड़ी निकालो, पहले ड्राइवर को गाड़ी ले तो दो। बढ़िया ही कॉमेडी करने वाले, जा
तेरे साथ कॉमेडी कौन करता है? ड्राइवर ड्राइवर तो मैंने रखा ही नहीं है। ड्राइवर 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 किधर मर गया कंबक? ड्राइवर ने रखा तो क्या है, ड्राइवर के भरोसे रहना नहीं चाहिए। आजा मेरे ऑटो में बैठ जा, आजा मेरे ऑटो में बैठ जा। ओए होए होए होए, इतनी सवारियां। अर्चना साहब कैसी हैं आप? अरे यार आप ही है ना अर्चना जी? नहीं वैसे खूबसूरत जितनी है लग तो यही रहा है, लेकिन मार्केट में जो अफवाह उसके हिसाब से वो लग रहे हैं। जी भैया पहचाना मुझे आपने? नहीं पहचाना ना, मुझे पता है एक्चुअली मैं आपकी हर फिल्म देखता हूँ बालकनी में बैठ के। पर्दे से दूर बड़ी होती बालकनी, फिर नजर नहीं आता कभी, क्या कैसे पहचानेंगे। वैसे अर्चना जी ऑटो का अपना ही मजा है। ऑटो में बैठ के जो रोमांस होता है ना, जो आप समझ रही है ना। हाँ, बिल्कुल। मैं भी किसको बता रहा हूँ, आप इसे देख देख कर तो सब कुछ सीखा है। ऑटो ऑटो ए ऑटो ए ऑटो, क्या मेरे पेट पे इंजन लगा के मैं धुआं छोड़ रहा हूँ? ए ऑटो। ऑटो को ऑटो नहीं कहेंगे तो क्या एरोप्लेन कहेंगे? चलोगे? नहीं अभी मेरे धंधे का टाइम है। ए बेवकूफ, अंधेरी चलोगे? आजकल लड़कियां अंधेरे में जाकर खुश होती हैं, अंधेरी चलोगे? वैसे चलो अपनी अपनी किस्मत, अब आपकी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। शट अप, मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करो। तो पहले हो लेने दो फिर चलते मैडम। ओह गॉड, एक सेलिब्रिटी से इस तरह बात की जाती है? आप सेलिब्रिटी हैं? हाँ, मैं डेली सोप करती हूँ। डेली सोप करती हैं? वैसे अगर आप डेली शैम्पू करती आपके बाल और खूबसूरत होते। दफर, तुम डेली सोप के बारे में कुछ नहीं जानते। डेली सोप मतलब मैं मंडे टू फ्राइडे सीरियल में काम करती हूँ। मंडे टू फ्राइडे, संडे शाम का रख लें फिर। क्या? नहीं ओ, आप तो बैठने वाली लड़कियों में से निकली। आइए बैठिए मैडम, बैठिए, अंधेरी जाना ना आपको। बैठिए बैठिए, घबराइए मत, अपनी गाड़ी समझिए। म्यूजिक की शौकीन है आप? ज्यादा नहीं, बस बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा बाथरूम सिंगर है, तो हमें बुलाएं किस दिन महफिल में फिर? मतलब आप तो खामखा नाराज होगी, मेरा मतलब थोड़ा इधर होके बैठे मैडम, शीशे में आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। बकवास कम करो और ऑटो शुरू करो। मैडम आप खामखा गुस्सा कर रही, मेरा कहने का मतलब है आपको कहीं देखा लगता है मैडम। कहा ना मैंने, मैं सीरियल में आती हूँ। शरेआम झूठ, ऑटो में आती हूँ कहती, सीरियल में आती हूँ। वैसे मैडम अंधेरी वेस्ट में जाना किधर आपको? कॉमेडी सर्कस के सेट। कॉमेडी सर्कस? उधर क्या करने जाना आपने? उधर क्या करने जाना आपने? अरे कॉमेडी और क्या? कॉमेडी? एक सेकंड, बाहर आइए, बाहर आइए, इधर आइए। कॉमेडी करेंगी आप? हाँ। जितनी खूबसूरत आप हैं, आप फ्लर्ट करें, कॉमेडी क्यों करना चाहती हैं आप? वो मैंने कभी कोई कॉमेडी शो नहीं किया था इसीलिए। लो अब मैंने कभी फैशन शो नहीं किया, इसका मतलब मैं चड्डी पहन के एफटीवी चला जाऊं? ज्यादा बकवास मत करो, वैसे भी ना सुबह से मेरा दिमाग और मन बहुत ही खराब हुआ है। ये कॉमेडी सर्कस वालों ने मुझे बहुत ही नॉन सीरियस पार्टनर दिया है। तो मैडम कॉमेडी नॉन सीरियस बंदे करते हैं और आपको पार्टनर ललित मोदी दे दे। शट अप, मैंने कहा ना मेरा मूड बहुत खराब है। मैडम आपका मूड तो मैं यूं बना सकता हूं, यूं यूं यूं। वो कैसे? रहने दो मैडम, अगर आप इंप्रेस हो गई मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शट अप बदतमीज। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब मैं गाता बड़ा अच्छा हूं, मैं आपको गा के सुनाता हूं, आपका मूड यूं बना दूं, यूं यूं। नहीं मुझे पता है लड़कियों की नाम है, हाँ होती है, गाना सुनाऊं? अरे तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, पार्टनर हूं मैं तेरे काम का, पहचाना हूं मैं अनजाना नहीं। कपिल, सुबह से दीनदयाल समझ रही थी। कपिल तुम कितना अच्छा गाते हो और तुम तो कॉमेडी भी अच्छी खासी कर लेते हो। क्या यार, मैं तो ऐसे ही सुबह से तुमसे झगड़ा कर रही थी। मेरी प्रॉब्लम ये, मेरे से ना लड़कियां थोड़ा देर बाद इंप्रेस होती हैं, और मैंने एक चीज देख ली, लड़कियां गाने से इंप्रेस होती हैं। एक और गाना सुनाऊं? नहीं नहीं, शेर वाली ये ओ माय मेरी ये। कपिल चुप मत गाना, बिल्कुल मत गाना। क्यों? सब कुछ अभी कर दोगे तो म्यूजिकल एपिसोड में क्या करोगे? जैसे तुम पार्टनर हो ना, मुझे नहीं लगता म्यूजिकल राउंड में पहुंचूंगा मैं। इसीलिए सारा टैलेंट इसी एक्ट में दिखा देना चाहता हूँ मैं। अच्छा
अपनी चपड़ चपड़ बंद करो और जल्दी से सेट पर पहुंचाओ। सेट पे क्या, तुम अपनी चपड़ चपड़ कम करो तो मैं फाइनल तक भी पहुंचा दूंगा मैं। लेकिन फाइनल पे पहुंचना इतना आसान कहाँ है? क्यों? पता है ना मुकाबला किस किस से है? अपना तो सिर्फ जजेस से है, बस वो नंबर देते रहे बाकी मैं संभाल लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन कृष्णा और सुदेश का क्या करोगे? कृष्णा सुदेश, जिस हिसाब से कृष्णा सुदेश को मारता है ना, वो बुजुर्ग चार दिन में खुद ही नहीं बढ़ जाएगा। अच्छा लेकिन अली और स्वप्निल? अली और स्वप्निल छी छी, वो तो इतने गंदे, आपस में कुछ ना कुछ कर लेंगे, छोड़ो उनको। अपना असली मुकाबला है राजीव और सलोनी से। हाय राम, फिर तो जीतना मुश्किल है। अरे काहे का मुश्किल है, देख सलोनी तेरे बराबर, ठाकुर ना के बराबर, हम लोग जीत गए। बस तुमने सेटिंग कर दी ना, अब देखो कि मैं तुम्हें कैसे जितवाती हूँ। अब देखो मैं तुम्हें कैसे जितवाती हूँ, गोविंदा साहब दूसरे एपिसोड में नहीं आने वाले। देखता हूँ तुम्हें कैसे जितवाती हूँ, दिखाइए जरा कि आज क्या देते हैं आप इनको, जरा दिखाइए जरा। तो अर्चना, ये ऑटो वाला कुछ ज्यादा ही शाना नहीं बन रहा था, कुछ हूल पट्टी देंगे इन्हें आप? But I think ये जो चैलेंजेस है नताशा और कपिल, आप दोनों ने तो बिगुल नहीं भोंपू बजा दिया है, चैलेंज दे दिया है हमारे चैंपियंस को। इनकी ऑटो के सामने आप लोगों की मर्सिडीज कहीं पीछे ना छूट जाए। जो गाना गाया आपने, बहुत सुर में गाया आपने। जहाँ तक कला का ताल्लुक है, जहाँ तक आपके आर्ट का ताल्लुक है, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। Big round of applause for challengers Natasha and Kapil. Please take your seat. Please welcome the challengers VIP as Akbar and Suraj as Anarkali. जलालत की हद होती अर्चना भाई, अपुन तुम्हारी बात नहीं करेला, अपुन बादशाह है बादशाह, 36 नंबर की बस से आ रहा था, किसी ने अपुन का बटुआ इच मार डाला। इस बार तो हमारे बटुए में पूरे 5 लाख रुपए, जो हमें लोन देने वाला था उसका एड्रेस था। अब आप ही बताइए, हम कहां से ढूंढेंगे कली फाइनेंस कंपनी वालों को, कहां से ढूंढेंगे? आओ ना गले लगाओ ना, लगी बुझाओ ना ओ बालमा। आइटम तुम हो कौन? मैं कली मैं अनार की कली, मुझे छुए ना कोई, मैं कली अनार कली, तुम तो मजबूर थी, इतनी मजबूत कैसे हो गई? मुझे जिस सीमेंट में चुनवाया गया था उसमें जान थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? I is the sole proprietorship of Kali Finance. बाखुदा, जिसकी हमें तलाश थी वो आज हमारे सामने खड़ी है। तुम ही लोन देती हो ना? मैं सिर्फ चुनिंदा हस्तियों को लोन देती हूँ। किस किस हस्तियों को दिया है? एक तो इस हस्ती को लोन दिया है जो हमेशा हस्ती रहती है। इसने भी लोन लिया है? जब पेमेंट नहीं मिलेगी तो लोन तो लेना पड़ेगा ना बेचारी को। लेकिन आपको लोन क्यों चाहिए? दरअसल महाड़ा की फाइल निकली है, सोचा कि एक आध खोली ले ले। चलिए लोन तो शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमारे बेटे सलीम ने तुम में इंटरेस्ट लिया तो हमारी ये हालत है, अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो क्या होगा? हाँ बोल अकबर। क्या? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। हाँ क्या मार्केट जा रहा है? अच्छा टिंडे लेके आना, और सुन याद से कोहिनूर जरूर लाना। अरे कोहिनूर बासमती चावल और क्या? ये दूसरे जहांपनाह कौन थे? अरे ये जहांपनाह अकबर नहीं, मेरा ड्राइवर अकबर था। तुम्हारे पास ड्राइवर भी है? अब 3-3 गाड़ियां तो ड्राइवर तो रखना पड़ेगा ना। 3-3 गाड़ियां? एक्सक्यूज मी, एक हेलीकॉप्टर भी है। ऑल बिकॉज ऑफ सलीम।
खुदा और एक हम बादशाह जो गणेश नगर में 10x10 की खोली में भाड़े पर रहता है। How sad, ये कैसे हुआ जहाँ पना? All because of Salim. देखिए आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए हाँ, मैं अपनी फिल्म शुरू करने वाली हूँ, मुझे उसकी स्टोरी पर काम करना है। तुम स्टोरी पे भी काम करती हो? दोबारा ऐसी बेहोदा हरकत की ना मैं आपकी टोपी निकाल दूंगी। मेरी जो फिल्म की स्टोरी है ना वो डांस बार के आसपास घूमती है। स्टोरी है या अली असगर? अली असगर का नाम लेके आपने मेरी ए ग्रेड की फिल्म को सी ग्रेड का कर दिया। अब मैं आपको लोन नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं नहीं नहीं। अनारकली हमें माफ कर दो, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे, लेकिन हमारा लोन पास कर दो। Now comes the camel under the mountain. अब आप नाचेंगे और हम देखेंगे। नाचो। क्यों? एक अकबर बादशाह नाचेगा? क्यों? All because of Salim. बाखुदा आज हमें अफसोस हो रहा है कि हमने सलीम को पैदा ही क्यों किया। काश उस रात आप जल्दी सो जाती। अनारकली, अगर तुम समझती हो कि तुम्हारे चंद रुपए के लिए ये अकबर बादशाह नाचेगा तो तुम सही समझती हो। म्यूजिक। अरे भाई खड़े खड़े क्या देख रही हो? पैसे नहीं बरसाओगी? हम भी तो बरसाते थे। अरे अरे बंद। ऐसी काली तवायफ का नाच गाने देखकर तो चिल्लर लुटाने का भी मन नहीं कर रहा है। उफ, तुम्हारा लोन कैंसिल कैंसिल कैंसिल। भाड़ में गया तेरा लोन और तू? अबे तू है कौन यार? मैं ऊपर से अनारकली और अंदर से सूरज हूँ। ये कौन सी क्रीम? अरे ये सनस्क्रीन क्यों लगा रहा है? अबे तू सूरज है और काला हो गया तुम्हें। हाय रे तेरी कोमल त्वचा, ब्लैक एंड हैंडसम। तू मेरे रंग का मजाक उड़ा रहा? नहीं नहीं, मैं तो यार ऐसे ही बोल। एक बात याद रखना, अगर मेरा पार्टनर बनना ना तो मेरे रंग पे एक भी जोक नहीं मारेगा। ओके सॉरी, क्योंकि अब तक जितने पार्टनर थे मैंने उनको सबको कल्टी कर दिया मैंने। और मेरे भाई अगर तुझे कोई काला बोलता भी है तो एक मिनट सुन तो ले यार, तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? है? अब जैसे अर्चना जी को लोग ये भी काली है? अरे नहीं काली नहीं, लेकिन लोग इन्हें मर्द मर्द कहते हैं। आपको बुरा लगता है क्या? नहीं लगता ना? देखो मना नहीं लगता। अभी मर्द है तो है। अभी ठाकुर को लोग चोर चोर बोलते हैं, इसे बुरा लगता है क्या? अरे नहीं लगता, देख मना कर रहा है। लेकिन तुझे बुरा क्यों लगता मेरे भाई? समझ गया भाई। क्या समझ गया? अरे यार किसी गोरे ने मुझे पहली बार ढंग से समझाया, एकदम ढंग से समझाया। मतलब मतलब क्या तेरा? अरे मतलब सिंपल है, ए सर्कस, एक गोरा जाए तो दूजा गोरा आए, काला गोरा मिलके अब रंग वो जमाए, चैलेंजर बनके चैंपियंस की बैंड बजाए, हम बैंड बजाए, अली कोली अग्री की बात हम लगाए, स्वप्नी के कैरेक्टर घोल के पी जाए, चैलेंजर बनके चैलेंजर बनके चैंपियंस की बैंड लगाए, हम बैंड लगाए, ए सर्कस। अर्चना लोन देंगे आप इस अकबर को? सूरज और वीआईपी, जो मैं कहना चाहती थी आपने खुद अपने एक्ट के एंड में कह दिया कि चैलेंजर बनकर हम चैंपियंस की वाट लगाए। गोविंदा सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं कुछ बोलूं? प्लीज प्लीज। एक फिल्म में आपने लगातार 4-5 एक्टरों की मिमिक्री की थी, तो अगर मुझे मिमिक्री में कोई कमेंट दे तो मेरे लिए प्रभु ये प्रसाद होगा। मैं क्या करूं अभी इसमें, मुझे कुछ तुरंत ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आपने हरी वाले की बहुत अच्छी। तुम मुझे संजीव कुमार मत बनाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां एक बार फिर चैलेंजर्स वीआईपी और सूरज के लिए। कॉमेडी सर्कस की बहुत पुरानी परंपरा रही है, आओ दूसरों की बैंड बजाओ और अच्छे स्कोर्स पाओ।
लेकिन चैलेंजर्स सुनील पाल और प्रिया अपने दुश्मनों की बैंड बजाने की जगह एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं. प्लीज गिव अ बिग अप्लॉज फॉर देयर फाइटिंग स्पिरिट. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं प्रिया, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स की सुपरस्टारनी. अब मैं बुलाती हूँ अपने पार्टनर को जो मेरी ही तरह फेमस है. प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील पाल. मेरे नस नस में दारू समाया, आधा जीवन गटर में बिताया. यूं ही सूजा करूं मैं तो हर दम, पीऊंगा हर जन्म कभी विस्की कभी रम. वाहिदवे मैं हूँ तुम्हारा पार्टनर रतन नूरा, क्वार्टर किया है खत्म पूरा, लाया हूँ साथ में. ये क्या कर रहे हो तुम? गोविंदा जी मिले थे, उन्होंने कहा था बेटा स्टेज पे जाके फाड़ देना. लोगों ने एक शराबी को मेरा पार्टनर बनाया. देखो तुम मेरे पार्टनर नहीं बन सकते, अब तो एग्रीमेंट भी हो गया है. एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, और दो बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की नहीं सुनता, और तीसरी बार कर ली तो फिर साला मेरी कोई नहीं सुनता. अरे लेकिन तुम नशे में कॉमेडी कैसे करोगे? अबे इस प्रोग्राम का नाम ही सीसी है, कॉमेडी सर्कस. यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके नाम में नशा है. नाम में नशा? ये जो वीआईपी है ब्लैक लेबल, इसका नाम खुद कहता है वीआईपी. और ये तमाशा नताशा, वही इसके नाम से ताक खींच के निकाल लो, बचता क्या है? नशा. और सुदेश. सुदेश यहाँ सुदेश है, बाहर सुदेशी है. ऐसा पी के लहराता है, लोगों ने उसको लहरी ऐसे ही कहना शुरू नहीं किया. लेकिन अर्चना उनके नाम में तो कोई नशा नहीं है बॉस. जहाँ इतनी दारू हो वहाँ चखना कौन तुम्हारा चाचा देगा. और वैसे भी यहाँ बैठ के जो तो दहाड़े मार मार के हंसती है, हमको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं बैठती होगी, ये भी 5-6 क्वार्टर खाली करके बैठती होगी. मैं तंग आ गई तुम्हारी एक्टिंग से, ये दारू पी के यूं यूं करते हो मुझे नहीं पसंद, मैं जा रही हूँ. ए बेवड़े. अर्चना जी ये जो आजकल की 4 दिन की डेली सुबह की लड़कियां, ये सब जिंदगी भर भीड़ में काम करती है, एक बार लीड में मौका क्या मिल जाता है, अपने आप को हीरोइन चरस गांजा सब कुछ समझ लेती है. किसी भैया जब इस लड़की से मैं पहली बार मिला था, पहली बार, मैं बताता हूँ क्या हुआ था जरा. चलो फ्लैशबैक में जाए. बाद में फोन करती हूँ. ओके बाय. सुनील जी. हाँ मैं हूँ सुनील जी. प्रिया जी कैसी हैं आप? लोग तो खूबसूरत कहते हैं. कौन से लोग कहते हैं? ये लोग, इनकी बात पे मत जाना, ये तो राजू ठाकुर को भी कॉमेडियन कहते हैं. मेरे कहने का मतलब है मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ ऐसा लोग कहते हैं. लेकिन अभी अभी आपने कहा लोग तो कुछ भी कहते हैं. इनमें से कुछ लोग सच भी बोलते जो आज यहाँ नहीं आए हैं. लेकिन आप जैसे पार्टनर पाके मैं धन्य हो गया हूँ, वरना यहाँ तो बहुत सारे लोग टैलेंटेड पार्टनर लेके घूम रहे हैं. आप भी टैलेंटेड है. थैंक यू. नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप भी टैलेंटेड है या ऐसी आ गई यहाँ पर? तुम्हें मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? देखो मैं खुद अपनी मेहनत से ये शो जीतूंगी. और मेरे लिए को तुम्हारा चाचा मेहनत करेगा? अबे मुझे भी तो मेहनत करनी पड़ेगी इनसे जीतने के लिए. वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट. तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, मैं तुम्हें ये शो जरूर जिताऊंगी. मैं जा रही हूँ. ओके कहाँ जा रही हो? अरे सुना नहीं मैंने कहा तुम मेहनत करते रहो, मैं बिजी हूँ, तुम्हारी थोड़ा फ्री थोड़ी हूँ, मैं जा रही हूँ. ओके बाय बाय. ये जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, ये स्टैंड अप कॉमेडी को कुछ नहीं समझते, बेवकूफ समझते हैं, सबसे लेट आते हैं और सबसे पहले निकल जाते हैं. और हम स्टैंड अप कॉमेडियन यूं ही खड़े रहते हैं. मैं आपको सर बता रहा हूँ हमारी जो दूसरी मीटिंग थी उसमें क्या हुआ था. चलो फ्लैशबैक में जाए. हे
सुनील, व्हाट्स अप, कैसा है यार? यही वो लड़की है जिसे 3 दिन से मैं कॉमेडी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख नहीं पा रही है। 3 दिन से कॉमेडी सीख नहीं पा रही है, उल्टा मैं डेली सोप सीख गया हूँ। समझ गई तू? समझ गई तू? समझ गई तू? तुमसे ज्यादा अच्छी कॉमेडी और एक्टिंग कर सकती हूँ मैं। हमें एक दूसरे को चैलेंज नहीं करना है। तो हमें ये नहीं चैलेंज करना है। तो तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ, खाली पैंट ढीले संभाल लेना। कॉमेडी 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 चैंपियन रेडी फॉर चैंपियन। हमें ना थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। चलो चलो जिम चलते। अबे तुम एक्टरों को वर्कआउट करना पे खाली जिम ही नजर आता है क्या? Sorry. अबे एक्टिंग कैरी कब करोगे, जिम कैरी करते रहोगे हमेशा? सॉरी। जरा एक्टिंग करने, नमस्ते करने का, धन्यवाद करने का एक्टिंग करो। सबके पैर छू, ये सब सीनियर है हमारे, बुजुर्ग है, पता नहीं कब टपक जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रिया एंड सुनील पाल फ्रॉम द चैलेंजर्स टीम। Ladies and gentlemen, a big round of applause for Priya and Sunil Pal from the Challengers team. Archana, तो इनके लफड़े झगड़े को देखकर आपको क्या लगता है, future bright है इनका नहीं? मुझे तो सुनील पाल जी की spirit बहुत बढ़िया लगी। ये हमारे कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स की स्पिरिट से बहुत मिलती जुलती है। आप दोनों चैलेंजर्स और चैंपियंस एक दूसरे के साथ बहुत घमासान युद्ध करें और हमें दिखाएं कि कॉमेडी में भी प्यार से कॉम्पिटिशन हो सकता है। So I think you guys are going to be stiff competition to all the rest. But everybody is good. So 3 cheers to all of you. Govinda sir. Sunil. मैंने स्टेज पे जाके फाड़ने को नहीं कहा था बेटा, पेपर फाड़ने को कहा होगा शायद। किसी वजह से मैं बहुत सीखने की कोशिश करता हूँ, हालांकि कभी कुछ सीख ही नहीं पाया। इनकी खासियत है कि ये हमेशा हंसते रहते हैं। हर फिल्म में भी, हर सीन में हंसना जरूरी है, सीन चाहे रोने का क्यों ना हो। एक फिल्म आई थी स्वर्ग, उस वक्त जो इमोशन वाला सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो आपने किया था। अरे बाबू जी, अरे आपने जो हमें थप्पड़ मारा है बाबू जी। अरे बाबू जी, आपने जो हमें थप्पड़ मारा है बाबू जी, वो हमें यहाँ नहीं लगा बाबू जी। अरे यार आ गया बाबू जी। अगर वो सीन थोड़ा सा हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर आपने थोड़ा सा करके दिखा दिया तो मैं समझूंगा कि ये सपना पूरा हुआ है। उसका कुछ, हाँ कुछ याद है मुझे, तो मैं आपको थोड़ा सा कहता हूँ। मैं जानता हूं आशा, तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई भी चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता, और कोई तवायफ जानबूझ कर अपना जिस्म नहीं भेजती। वक्त और हालात, वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। जानती हूं मैं चोर क्यों बना, किसने बना, किसने बनाया मुझे? मैं छोटा सा था, मेरे मां बाप मर गए, तब मेरे मामा ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और मुझसे कहा कि बेटे मत रो, मां मां। इस लफ्ज के साथ 2 बार मां का लफ्ज इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मामा मां से दुगनी मोहब्बत करता है। लेकिन जानती हो, उसी मामा ने 2 दिन में लात मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद मेरे नन्हे पांव थे और दर दर की ठोकरी थी, और दुनिया वालों ने मुझे गालियों और जिल्लतों के निवालों के सिवा कुछ नहीं दिया। तब भूख और गरीबी से लाचार होकर मेरे नन्हे हाथों ने चाकू उठा लिया। ना तो मैं किसी पुलिस की पिस्तौल की गोली से डरता हूं और ना ही किसी दुश्मन के चाकू से। डरता हूं तो बस एक ही चीज से डरता हूं, जिसका नाम है भूख, क्योंकि वो ऐसी गोली, ऐसा चाकू है, जब लगती है तो खून भी नहीं निकलता और इंसान एड़िया रगड़ते रगड़ते मर जाता है। मेरी मां हमेशा कहती थी कि हंसने के पैसे नहीं लगते और इसके कोई पैसे चुका भी नहीं सकता। वाह वाह वाह। हीरो सोचते थे कि ये काम ऐसे ही है कुछ, आज हर हीरो वो कॉमेडी करना चाहता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गोविंदा सर। थैंक यू सो मच।
हमें तो लगा था कि आज कॉमेडी की एग्जीबिशन लगेगी जहां चैंपियंस अपना जोर दिखाएंगे और चैलेंजर्स अपना जोश, लेकिन यहां तो हंसी की वर्ल्ड रेसलिंग शुरू हो गई है। शो के पहले ही दिन मुकाबला हो गया है कांटे का। अब कौन पड़ेगा किस पर भारी, चैंपियंस या चैलेंजर्स?